अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज का जो टॉपिक है वो है सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ इशू के बारे में, और वो है एनजाइटी। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा या इवन ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको लग रहा होगा कि आई विल फेल द एग्ज़ाम, या फिर आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं एंड यू आर सो अनकम्फर्टेबल ओवर देयर, और आपको ऐसे लगेगा कि आई फील हो रहा होगा कि यू आर बींग जज्ड बाई पीपल, या फिर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी और आप वहाँ से निकल आएंगे और वापस आ जाएंगे, या एट टाइम्स आपको ऐसा फील होता है कि ओ मैंने तो लॉक ही नहीं किया, ओ मैंने तो चूल्हा ही नहीं बंद किया, एंड देन यू गो एंड चेक दैट थिंग अगेन एंड अगेन। सो येस, दीज आर द रिस्पॉन्सेज बिकॉज ऑफ एंजाइटी, एंड दीज एंजाइटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ इशू जो कि ऑलमोस्ट हम सब उससे एक्सपीरियंस करते हैं और हम सब उससे गुजरते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एंजाइटी है क्या। एंजाइटी बेसिकली एक कॉमन रिएक्शन है टूवर्ड्स लाइफ इवेंट्स। जब भी कोई काम होने वाला होता है, या फिर हम किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, या फिर हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो उसके बारे में हमें एप्रिहेंशन या फिर फियर या वरी होती है, उसको हम एंजाइटी का नाम देते हैं। अब एंजाइटी एक ऑप्टिमम लेवल तक नॉर्मल कंसिडर की जाती है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एंजाइटी ना हो तो हम पेपर के लिए तैयारी ही ना करें, अगर हमें एंजाइटी ना हो तो हम करियर पर फोकस ही ना करें, अगर हमें अर्न करने की एंजाइटी ना हो तो हम लोग कभी भी अर्न ना करें, हम लोग कभी भी एफर्ट ना करें। तो ये एक कॉमन रिएक्शन है टूवर्ड्स लाइफ इवेंट्स, और एक ऑप्टिमम लेवल तक ये बहुत हेल्दी कंसिडर किया जाता है। अब मसला तब होता है जब आप एंजाइटी से ओवर पावर होना शुरू कर देते हैं और आपकी लाइफ इंपैक्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी एकेडमिक लाइफ है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, जो आपकी सोशल लाइफ अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, या जो करियर लाइफ अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये कि आप उस एंजाइटी से इतना कंट्रोल होना शुरू कर देते हैं कि आपसे लाइफ के दूसरे चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, अब ये ऐसे ही है कि आपको फेलियर का, एग्ज़ाम के फेलियर का डर ही इतना क्रिएट हो जाएगा कि यू विल स्टॉप गोइंग फॉर एन एग्ज़ाम, यू विल अवॉइड द एग्ज़ाम, यू विल, आपको स्कूल से डर लगने लग जाएगा तो यू विल अवॉइड टू गो टू स्कूल, आप बहाने बनाने लग जाएंगे, आपको सोशल गैदरिंग से एंजाइटी होगी वहाँ जाके तो आप वहाँ पर जाना बंद कर देंगे। अब ये चीज़ें कुछ लेवल तक तो आप अवॉइड कर लेते हैं या आप उससे बच जाते हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी लाइफ इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है और आपकी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, यू फील लाइक योर लाइफ इज़ एट अ हॉल्ट। अब हम बात करेंगे कि एंजाइटी होती किस किस तरह की है। सबसे कॉमन तो एक जनरल टाइप होगी, जनरल एंजाइटी होगी, जिसमें आपको नॉर्मल डे टू डे चीज़ों के बारे में यू आर वरीड अबाउट देम, और उससे आपका हार्ट रेस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको नॉजिएटेड फील होगा, आप हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, यू विल स्टार्ट ब्रीथिंग हैविली, आपको स्वेटिंग हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आपको नॉजिएटेड फील होगा, और एंड यू विल ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशंस, और आपको यू विल हैव अ सेंस ऑफ फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम। ठीक है, अब उसके अलावा एक और तरह की एंजाइटी ये भी होती है कि आपको सोशल प्लेसेस से एंजाइटी होगी, जिसमें यू विल स्टार्ट अवॉइडिंग टू गो टू द प्लेसेस। उसमें मेन रीज़न यही होगी कि यू विल फील लाइक यू आर बीइंग जज्ड, एंड यू विल फील लाइक पीपल विल क्रिटिसाइज यू, द वे यू टॉक, द वे यू ड्रेस अप, तो उस क्रिटिसिज्म से आपको डर लगेगा और बीइंग जज्ड से आपको डर लगेगा, जिसकी वजह से आप अवॉइड करेंगे सिचुएशन में, और एट टाइम्स आपको लगेगा यू आर नॉट गुड इनफ एंड आपको सेल्फ डाउट होगा, तो फिर आप सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करेंगे और उनमें जाना आपको मुश्किल लगेगा। एक और एंजाइटी कुछ सर्टन थिंग्स से भी हो जाती है जिनको हम फोबियाज कहते हैं, जैसे स्नेक्स का डर, क्लोज स्पेसेस का डर, हाइट्स का डर, वाटर का डर। ठीक है, ये वाले जो एंजाइटीज़ हैं इन ये फोबियाज कहलाते हैं। इस तरह की भी आपको एंजाइटी हो सकती है। फिर उसके बाद आपको किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के गुजरने के बाद ओवर टाइम या कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, आपको मेमोरीज आ रही हैं, आपको सर्टन प्लेसेस थिंग्स को देखकर वो वाला इवेंट याद आ जाता है, जिसकी वजह से फिर वही हार्ट रेसिंग और हैवी ब्रीदिंग और क्राइंग स्पेल्स और अनएबल टू कंट्रोल योर सेल्फ या एट टाइम्स डिसोसिएटेड फ्रॉम सम प्लेस। ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, तो ये भी एक तरह की एंजाइटी होती है। उसके अलावा एक तरह की एंजाइटी ये भी होती है कि आपको बार बार कुछ सोचें आती हैं और उससे एंजाइटी क्रिएट होती है, और फिर आप उस एंजाइटी को कम करने के लिए बार बार एक रेपिटेटिव एक्शन करते हैं, जिससे आपकी उस एंजाइटी को कुछ टाइम के लिए सुकून मिलता है, लेकिन ये साइकिल चलता रहता है। फॉर एग्जांपल आपको बार बार ये थॉट आती है कि मैंने दरवाज़ा नहीं लॉक किया, और उससे आपको एंजाइटी होती है, और फिर आप बार बार जाके चेक करते हैं कि इज़ इट लॉक्ड और नॉट। ठीक है, और फिर बार बार 4 to 5 times 10 times ये बार बार रिपीट करते हैं आप, तो ये एक साइकिल चलता रहता है और ये एंजाइटी होती है आपको, और फिर आप एक रिस्पॉन्स देते हैं टू रिड्यूस दैट एंजाइटी, लेकिन दैट क्रिएट्स फर्दर एंजाइटी, तो एक तरह की ये एंजाइटी होती है। अब एंजाइटी ये सारी जो टाइप्स हैं इनमें से जो भी हो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज इफ़ यू आर डूइंग इट अलोन। ठीक है, अब अगर आपको पता लग गया है
एंजाइटी है और एंजाइटी को मैनेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने रियलाइज कर लिया कि यू आर गोइंग थ्रू एंजाइटी इन सम फॉर्म. रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद नेक्स्ट ये आता है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, क्योंकि किसी प्रोफेशनल हेल्प सीख करने का फायदा ये होता है कि जब आप उसके पास जाते हैं वो आपके एंजाइटी को प्रोसेस कराता है, आपको आपके हालात, आपके वाकयात, आपकी सराउंडिंग्स के हिसाब से कोपिंग स्ट्रैटेजीज बताता है कि आप किस तरह से इस एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं ओवर लॉन्गर टाइम, और किस तरह से वो जो बढ़ती जा रहा है मसला उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है. आपको पता चल जाएगा कि आपने इसके साथ हैंडल कैसे करना है, आपको अपने बारे में पता चल जाएगा कि मैं किन किन चीज़ों पर एंशियस होता हूँ या होती हूँ. आपको अपने बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं एंजाइटी को कंट्रोल करने में. आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं आपकी आपको एंजाइटी में फील होते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एंजाइटी को ट्रिगर करती हैं. तो आई होप कि इस बारे में वीडियो बनाने से बहुत से लोगों को ये चीज़ पता चली होगी कि दे आर गोइंग थ्रू सम फॉर्म ऑफ एंजाइटी. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एंजाइटी के पॉसिबल कॉजेज़ क्या होते हैं, ठीक है. और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, घर में बैठ के आप किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं उसको सॉल्व करने की या कोप करने की. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद पीपल यू थिंक हु आर एंशियस एंड हु नीड हेल्प एंड हु माइट गेट टू नो देमसेल्व्स बेटर विद दिस वीडियो. सो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.